असलम फाइव क्लास दिस इज योर साइंस लेक्चर नंबर थर्टीन एंड इन दिस लेक्चर आई एम गोना शो यू द वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो अबाउट द इंसेक्ट्स दैट विच इंसेक्ट्स आर आवर फ्रेंड्स एंड विच आर आर एनिमीज स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रेंड्स वाली कैटेगरी में आ जाते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं यानी कि वो हमारे लिए यूजफुल हैं और हमें उनसे बेनिफिट होता है यानी बेनिफिशियल है वो हमारे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए ये मैंने आपको पिक्चर जो दिखाई है ये एक हनी बी है जो कि एक सोशल इंसेक्ट है और आपको पता है कि हनी बी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमें हनी प्रोवाइड करती है इसके अलावा बीज आर इम्पोर्टेंट फॉर मोर देन हनी हनी से ज्यादा भी एक इम्पोर्टेंट थिंग है जिसके लिए हम कहते हैं कि आ, हनी बीज जो हैं वो बेनिफिशियल हैं हमारी फ्रेंड्स हैं वो फैक्टर ये है कि हनी बीज जो हैं बच्चे वो पोलिनेशन में रोल प्ले करती हैं वी आर थॉट वी आर टॉट फ्रॉम द यंग एज दैट बीज कैरी पोल्स ये पोल्स कैरी करती हैं फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट आर फ्रॉम वन फ्लावर टू अन अदर फ्लॉर ये यहाँ पे जैसे कि ये सक का रही जूस जिसको नेक्टर कहते हैं और ये पोलिनेशन में रोल प्ले करती है यानी कि फ्लावर के अंदर से जो है वो पोलन्स होते हैं ठीक है फ्लावर के अंदर पोलस होते हैं पोलस इनकी बॉडी के साथ या इनकी फीट के साथ अटैच हो जाते हैं इसी वजह से जब ये फ्लाई करती हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पोलस को ट्रांसफर करती हैं और फिर फर्दर क्या होता है एक न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है उससे अब 85 परसेंट पोलिनेशन जो हो रही है ऑफ ऑल द फूड क्रॉप्स जो फसलें हैं फूड क्रॉप्स हैं हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के लिए तो वो 85 परसेंट पोलिनेशन जो है वो बीज करवा रही हैं और भी बहुत से फैक्टर्स हैं बटरफ्लाइज हैं और भी बहुत से फैक्टर्स हैं लेकिन आज हम बीज के बारे में बात कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा सिंपल ब्यूटिफुल और फैसिनेटिंग लिटल इंसेक्ट्स हैं आ, लेकिन ऐसी कौन सी चीज चीजें जिनको स्पेशल बना रही है लेकिन आ, पहले की इस इनका नंबर डिक्रीज हो रहा है उसकी ये रीज़न है ये डिक्लाइन कर रही है स्ट्रेस कंडीशन है किस वजह से क्लाइमेट चेंज होने की वजह से लॉस ऑफ हैबिटेट की वजह से फूड सोर्सेज नहीं इनको प्रॉपर मिल रहे और इसके अलावा पेस्टिसाइड यानी कि जो स्प्रे वगैरह किए जाते हैं ये भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ये भी उनके लिए नुकसानदेह हैं ओके अगर बीज ना हो तो हमारी डाइट इफेक्ट होगी हमारी डाइट बिल्कुल पुअर हो जाएगी डल हो जाएगी यानी कि लैस न्यूट्रिशियस हो जाएगी बेसिकली बच्चे ये जो बीज हैं ये कहाँ पे रहती हैं ये इस तरह से हाइव होता है इनका एक छत्ता जिसको हम कहते हैं हाइव में आपको ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, स्मॉल कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे होंगे जिसमें ये प्रोड्यूस करती हैं हनी प्रोड्यूस करती हैं ये सोशल इंसेक्ट्स हैं ये डिफरेंट एक क्लूनी बना के रहती हैं और ये कलूनी में डिफरेंट इनके मेम्बर्स हैं एक क्वीन होती है जो एग्ज ले करती है वर्कर्स हैं जो काम करती हैं ड्रोन्स हैं मेल आ, मतलब डिफरेंट इनकी फैमिली के मेम्बर्स हैं और हर फैमिली मेम्बर का एक अपना रोल होता है और सबसे डोमिनेटिंग जो है वो क्वीन होती है ठीक है एक ही सिंगल क्वीन होती है एक कॉलोनी के अंदर अब ये हनी जो है वो हमें प्रोवाइड करती है बेसिकली हमें हनी प्रोवाइड किया जाता है इससे Uh, जिसकी वजह से हम इसको एज अ फ्रेंड लेते हैं ठीक है हनी एक सब uh, है ऐसा जो कि बीज बनाती हैं कैसे बनाती हैं जैसे अभी मैंने बताया फ्लावर से ये नेक्टर यानी कि जूस लेती हैं फिर उसको प्रोसेस करती हैं और अपने uh, कॉम्ब या हाइव में अपने छत्ते में जाकर उसको स्टोर कर लेती हैं और हमें क्या मिल जाता है हनी मिल जाता है इस वजह से हम कहते हैं कि हनी बीज आर आवर फ्रेंड्स इसके अलावा कोई और ऐसा uh, इंसेक्ट जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है तो उसकी तरफ आ जाते हैं बच्चे वो है सिल्क वर्म्स ठीक है सिल्क आपको पता है कि हम आ, सिल्क वेयर करते हैं वेयर करना पसंद करते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव है जिसे हमारे क्लॉथ्स बनते हैं अब इसमें इस वीडियो में हम देखते हैं कि सिल्क वर्म्स कैसे सिल्क बनाते हैं उसकी प्रोसेसिंग हम यहां पे देख लेते हैं ये भी बेनिफिशियल है ये भी एज अ फ्रेंड है ओके लेट स्टार्ट वीडियो ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हमें दिखाए गए हैं सिल्क वर्म्स यहां पे हमें दिखाया गया है कि ये मलब्रे लीव्स हैं ये उनपे जो है वो फीड करते हैं ओके मलबरे लीव्स पे ये आपको नजर आ रही होंगी ये इनको सिल्क वर्म्स कहते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं ये कैसे सिल्क वर्म्स जो है वो सिल्क बनाते हैं ये लीव्स पे ग्रो करते हैं ठीक है ये कंटिन्यूसली जो है खाते रहते हैं इस पे लीव्स पे लीव्स पे फीड करते हैं फॉर अबाउट फोर्टी टू डेज इसके बाद जो नेक्स्ट टाइम आ गया वो कोकोन टाइम है पहले तो ये फीड करेंगे ठीक है ये मलबड़े लीव्स पे फीड करते हैं उसके बाद ये कोकोन बनाते हैं अब कोकोन क्या चीज है कोकोन बच्चे एक शेल है जो कि सिल्क से बना होता है जिसको यूज किया जाता है नेचुरल सिल्क बनाने के लिए अब हम देखते हैं कोकोन से कैसे सिल्क बनाई जाती है ये एक्चुअली जो सिल्क वर्म है जिसको ये सिक्रीट करता है सिल्क सिल्क बनाएगा जिसको देन वो अपनी बॉडी के इर्द गिर्द रैप कर लेता है ठीक है पहले आपको इंसेक्ट नजर आ रहा था अब हम देखते हैं आपको क्या नजर आएगा ये कोकौन है ठीक है इसने अपनी बॉडी के इर्द गिर्द इसको रैप कर लिया है और, और जिसको हम कोकौन कह रहे हैं ये एक शेल है ठीक है अब जब ये एयर के साथ कॉन्टेक्ट करता है ये कोकौन ये वाला शेल तो ये बहुत हार्ड हो जाता है ओके अब हम फर्दर देखते हैं कैसे इससे हम सिल्क बनाएंगे दिस इज एक्चुअली द सिल्क Uh, ये यह यहां पे उन्होंने हमें बताया है कि ये स्ट्रैंड एक्चुअली इसमें से निकलते हैं धागे निकलते हैं ठीक है और अबाउट uh, एक स्ट्रैंड जो है वो वन थाउजेंड फीट लॉन्ग होता है ठीक है वन स्ट्रैंड ये स्लाइब्रिक लैंड इनके माउथ में होते हैं ये वहां से सिक्रेट करते हैं ये सारी सिल्क और सिल्क का जो एक स्ट्रैंड एक धागा होता है वो कितना लंबा होगा वन थाउजेंड फीट लॉन्ग होगा फर्दर क्या किया जाएगा ये एक हार्डन स्ट्रक्चर बन चुका है अब इसको हम बॉयल करेंगे ओके okay? इसको ये बॉयल किया जा रहा है लूज किया जा रहा है हॉट वाटर में डाल के और धागा पहले वाउंडेड था अब उसको अनवाउंड किया जा रहा है ठीक है अब इसको सेपरेट किया जा रहा है ठीक है इस तरह से ये इसको गर्म करके लूज करते हैं और इस तरह से ये सिल्क बनती जा रही है राकोन में से इस तरह से इसकी प्रोसेसिंग होती है इसके जो धागे हैं अब क्या हो रहा है जी अब इसमें से डेब्रिज और अनवांटेड मटेरियल रिमूव किया अब इसको डाई कर दिया कलर कर दिया इसको ठीक है इसके बाद इसको जो फैक्ट्रीज होती हैं इंडस्ट्रीज वहां पे क्या किया जा रहा है रैप किया जा रहा है धागे को सिल्क थ्रेड को या फाइन सिल्क आ गई हमारे पास जिसको हम यूज कर सकते हैं क्लॉथ्स बनाने के लिए ओके ये अब हमारे पास सिल्क आ गई है जिसको फर्दर ये एक फाइन सिल्क है जिसे आप नेक्स्ट जो है वो बना इसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि Uh, silk, एक पाउंड सिल्क बनाने के लिए ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सिल्क वर्म्स चाहिए होते हैं और जाहिर है फिर मलबरे लीव्स भी चाहिए होंगे तो ये सारी रिक्वायरमेंट है ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है uh, बहुत मेहनत होती है इस प्रोसेस में इसी वजह से सिल्क बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपेंसिव भी है नेक्स्ट अभी तो हमने देख लिया कि कौन कौन से इंसेक्ट्स बेनिफिशियल हैं नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि कौन से इंसेक्ट्स जो हैं वो एज अ पेस्ट एक्ट करते हैं यानी कि वो लीव्स को खराब कर देते हैं वो प्लांट्स को डैमेज कर देते हैं डिफरेंट मतलब इनके जो है वो सीड्स को फ्रूट्स को लीव्स को खराब कर देते हैं यानी कि वो हमारी फसलों को खराब कर देते हैं उनको पेस्ट कहते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है यहाँ पे सिंपल जो है ना हमें दिखाया पेस्ट को कंट्रोल कैसे करते हैं पेस्ट मैंने आपको जैसे बता दिया सिंपल टर्म कि इनको हम एनिमीज कहते हैं क्योंकि ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारी फूड को हमारी फूड को ये प्रॉपर नहीं रहने दे रहे ये फसलों वगैरह को खराब कर देते हैं जिससे हम फिर क्या करते हैं इसको इनपे हम स्प्रे करते हैं इनको किल करने के लिए ठीक है अपनी फसलों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स हैं लाइक फ्लाइज हैं और मॉस्किटोज हैं ठीक है ये डिजीजेस काज करते हैं सर्टन जैसे कि मॉस्किटोज uh, की वजह से डेंगू फीवर हो जाता है मलेरिया हो जाता है फ्लाइज हैं तो फ्लाइज अगर एक गंदी जगह पे बैठी हुई हैं एक डर्टी प्लेस है वहां से फ्लाई करके अगर वो आपकी फूड पे आके बैठ जाएंगी तो इस तरह से ये डर्ट जो है ना ये डिफरेंट डिजीजेस काज करती हैं फ्लाइज और मॉस्किटोज और इसके अलावा हमने देखा कि पेस्ट जो है जो कीड़े मकोड़े होते हैं डिफरेंट वो हमारी प्लांट्स uh, को हमारी क्रॉप्स को खराब कर देते हैं डैमेज कर देते हैं तो इसका भी कंट्रोल किया जाता है कि इन पे स्प्रे की जाती है और फिर इनको खत्म कर दिया जाता है दिस इज ऑल अबाउट द इंसेक्ट्स दैट विच आर आवर फ्रेंड्स एंड विच आर आवर एनिमीज तो ये हमने डिफरेंट कैटेगरीज देखी कि फ्रेंड्स जो हैं वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इंसेक्ट्स और कुछ इंसेक्ट्स हमारे एनिमीज हैं वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में हम uh, हमारा जो चैप्टर नंबर फोर है उसका लास्ट पैराग्राफ होगा फ्रेंड्स और एनिमीज इंसेट्स के बारे में उसकी हम रीडिंग करेंगे और फर्दर फिर वर्कबुक पे उसको उसके रिलेटेड जो सारा डाटा होगा हम उसको सॉल्व करेंगे